हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूनिक राना। गाइस, मैं बहुत दिनों से बैक हैंड स्प्रिंग को डिफरेंट जगह पे ट्राई करता हुआ आ रहा हूँ, जैसे कि ग्राउंड में, फिर कंक्रीट में, और उसे ट्राई करते करते मैं ऐसे 4 मिस्टेक्स नोटिस किया हूँ, जिसको अगर मैं सुधार लूंगा तो मेरा बैक हैंड स्प्रिंग एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए गाइस, आज का इस वीडियो में उस मिस्टेक्स को एनालाइज करते हैं और उसे सुधारने की प्रयास करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, गाइस, मैं जब बैक हैंड स्प्रिंग को करता हूँ तो मैं इतना ज़्यादा बैठ जाता हूँ जिससे मेरा बैक हैंड स्प्रिंग का फॉर्म ख़राब होता है। गाइस, मैं जब बैक हैंड स्प्रिंग को करता हूँ तब मेरा हाथ तो सही रहता है बट मेरा लेग ओपन हो जाता है, जो एक बहुत बड़ा मिस्टेक है। मिस्टेक नंबर 3, जब मैं बैक हैंड स्प्रिंग को करता हूँ तब मेरा बैक हैंड स्प्रिंग लाइन से भटक जाता है, यानी कि थोड़ा टेढ़ा होता है। और मिस्टेक नंबर 4 ये है कि मेरा बैक हैंड स्प्रिंग बहुत ही ज़्यादा स्लो है। बैक हैंड स्प्रिंग का मिस्टेक नंबर 1, गाइस, मैं जब बैक हैंड स्प्रिंग करता हूँ तो मैं बहुत ही बैठ जाता हूँ जिससे मेरा बैक हैंड स्प्रिंग का फॉर्म एकदम खराब होता है। तो इस मिस्टेक को सुधारने के लिए मेरे को खड़े होकर आर्च जंप करना पड़ेगा और ट्राई करना पड़ेगा कि कम से कम बैठूं। तो चलिए पहले उसको करते हैं। तो गाइस, आर्च जंप तो हमने कर लिया, अब बारी है बैक हैंड स्प्रिंग को अटेम्प्ट करना। तो बैक हैंड स्विंग को हम जब अटेम्प्ट करेंगे तो हम लोग ट्राई करेंगे कि कम से कम बैठे और आर्च जंप को मजबूत करेंगे। तो चलिए गाइस, बैक हैंड स्विंग को करते हैं। गाइस, मैं बैक हैंड स्प्रिंग को कंक्रीट में कर लेता हूँ बट इसे मैं कंक्रीट में जब करता हूँ तो मेरा रिस्ट पेन करता है, इसलिए मैं कंक्रीट पे बैक हैंड स्प्रिंग को ट्राई नहीं कर रहा हूँ। और गाइस, मेरा बैक हैंड स्प्रिंग थोड़ा टेढ़ा हो रहा है तो इसको भी सुधारने का प्रयास करेंगे, बट सबसे पहले हम बैठ के बैक हैंड स्प्रिंग को खड़े होकर बैक हैंड स्प्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। तो गाइस, आज का वीडियो में बैक हैंड स्प्रिंग का मिस्टेक नंबर 1, बैट के बैक हैंड स्प्रिंग को हम लोगों ने सुधारने का प्रयास किया। मानते हैं कि ये एक दिन में सही नहीं होगा पर हम लोग इसे धीरे धीरे करके सही करने का प्रयास करेंगे। और गाइस, आप लोग बताना कि आप लोगों का बैक हैंड स्प्रिंग क्लियर है कि नहीं। और आप लोग अगर इसी प्रकार कॉन्टेंट देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो गाइस, मैं मिलता हूँ आप लोगों से किसी एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहें। बाय।